this is Wandering 365 Days welcomes you on my YouTube channel for exciting adventure trekking videos. This video is all about Rajmahal Hills and the forest, the lush green meadows and everything about the Rajmahal Hills. So let's talk about the history about Rajmahal Hills. For your kind information, मैं आपको बता दूं कि ये राजमहल हिल्स मूली हिल्स नहीं है. यहाँ की जंगलों की बात करें तो यहाँ टीक वुड आपको मिलेगा, सैल ट्रीज मिलेंगे. काफ़ी अच्छा क्वालिटी नहीं है लेकिन एवरेज क्वालिटी है. और अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करें, यहाँ के लोकलाइट्स का कहना है कि लगभग 40 से 50 साल पहले यहाँ 2-4 शेर हुआ करते थे जो अब नहीं रहे. और हाल ही में रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि ये हिल्स लगभग 5000 करोड़ साल पुराने हैं और ये एक वॉल्केनिक इरप्शन का इफ़ेक्ट है, कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट. तो काफ़ी सारी हिस्ट्रीज जुड़ी हैं, मैं आगे भी बताऊंगा आपको. इस हिल्स पे एक जगह है नामनगर, जहां आपको फॉसिल पार्क मिलेगा. और ये सबूत है कि ये पहाड़ आज की नहीं, लगभग करोड़ों साल पुरानी पहाड़ है. आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं नामनगर फॉसिल पार्क इन राजमहल हिल्स, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा. अगर यहाँ की फॉरेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत है और ये पहाड़ काफ़ी लाइवली है. अभी हम लोग झरने की ओर बढ़ रहे हैं और इसी झरने की ओर ये झरना हमें आगे की ओर ले जाएगा और हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से नज़ारा देखेंगे कि हमारा शहर साहिबगंज कैसा दिखता है. तो आप जो देख रहे हैं ये रास्ता झरने की ओर जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों. आप अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी अकेले इन जंगलों में ना भटकें, लोकलाइट्स का सहारा लें या अपने फ्रेंड्स के साथ आएं. अकेले आना सेफ नहीं है. तो आप जो देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारा, ये झरने, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वर्जिन प्लेस है ये. बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ट्राइबल्स का तो आना जाना लगा रहता है, बट हाँ शहरी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते. बहुत ही खूबसूरत जगह है. बढ़ रहे हैं जंगलों की ओर. ये देखिए ये ट्राइबल्स, यहाँ पास में ही एक गांव है और उन्होंने ही शायद ये भुट्टे की खेती यहाँ लगा रखी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग. और आगे मोशीन और याशीर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तितली है ये, येलो कलर की. मैं तो बस पीछे ही पड़ गया इसके. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बेहद खुश हूँ मैं इन जंगलों में आकर. एक अलग सा सुकून देता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस फील होता है. और जब तक एडवेंचर फील ना हो फिर मज़ा क्या है लाइफ में. ये देखिए ये दो रास्ते अलग अलग पहाड़ की तरफ जाते हैं, एक पंचरुखी और एक करमपा.
नहीं करता कि कहीं आगे जाएं, पर आगे तो जाना होगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं अभी और हमारी मंजिल तो रास्ते ही हैं, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत ये झरने बह रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये, लश ग्रीन मीडोज, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा ये देख सकते हैं। अब हम इस पहाड़ी के लगभग ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब इस पहाड़ी के टॉप पे, और यहाँ से जो नज़ारा होगा वो हम देखेंगे, हमारा शहर साहिबगंज कितना खूबसूरत दिखता है। तो मैं अब आप लोगों को वो नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों। और ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, बेहद ही खूबसूरत। और अपना शहर साहिबगंज,